और ये नाश्ता है, चाय और बकरखानी का नाश्ता। नाश्ता हो गया है, रात की थकावट है बच्चों की वजह से। बैल के तमाशे शुरू हो गए हैं। आजकल में चले जाना है तो मैं अभी उनका यूनिफॉर्म इस्त्री कर रही हूँ और ये कुछ कपड़े भी इस्त्री हो गए हैं। मानो बैठी हुई हैं एज यूजुअली। गुस्से में दोनों की लड़ाई हमेशा से बहुत होती है, लेकिन एक खट्टी मीठी सी जो है इनमें एक नोक झोंक सी चलती रहती है। खेलते भी हैं और लड़ाइयाँ भी करते हैं, लेकिन प्यार अपना ही है इनका भी। ये चने बॉईल किए हैं बांटने के लिए चने, और हमने थोड़े से उसको फ्राई भी कर लिया है, बॉईल किए थे वैसे तो। ये सालन देख सकते हैं, घिया कद्दू और चिकन बनाया है आज। अब उठ गई थी और आप मार खा के आए हो आज? मार खाई थी? शाम का टाइम है और बच्चों ने बहुत ही गंद मचाया हुआ था, तो मैंने सोचा कि कमरे की सफाई कर ली जाए, और बहुत ही ज़्यादा गंद निकला कमरे के अंदर से। और ये देखें शीट, अयान ने तो बिल्कुल शीट ख़राब नहीं की थी, मानो ने ना शीट सारी फाड़ दी है। और सफाई हो गई और अब मैंने सोचा कि गजरा लेने जाते हैं बालों में लगाने के लिए। आज बारात का फंक्शन है तो गजरा जूड़े में लगाऊंगी। और ये भाई जूड़ा अब गजरा बना रहा था, और ये उनकी दुकान है। और ये देखिए कब सारे गजरे हाथों वाले पड़े हुए हैं। और मैं गई थी घंटा घर गजरा लेने। एक शॉप वाले ने मुझे कहा कि 500 का है, और दूसरी शॉप से मैंने पूछा तो ये मुझे सिर्फ और सिर्फ मिल गया था 300 में। सारी हम इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है? ओके, ये भी खोलो, ये भी डालना है अभी हमने, ये भी डालना है। टिक टैक पिंस भी डालेंगे, और पिन सारी उसके अंदर रखो ना, इसके अंदर रखो सारी पिंस ऐसे करके। पिन सारी इसके अंदर हम बॉक्स बना देते हैं ना, मानो के लिए एक कि हम उसमें से कुछ चीजें उठाएंगे। हो गई सारी चीजें। ये शाम के टाइम किसी की तरफ से चने वाले चावल आया था, मुझे बहुत भूख लग रही थी तो फिर मैंने सोचा कि मैं खा लेती हूँ। अयान हो गया रेडी, माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा था। और जब मैं बाहर आई तो ये ऊपर वाली साइड पे इन्होंने बहुत प्यारा सजाया हुआ था। और ये मैं सीढ़ियाँ उतर रही हूँ, मैंने अपने पॉजेस बना लिए थे। और ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी इन्होंने डेकोरेशन की हुई थी, कि गमले लगाए हुए थे और लाइटिंग की हुई थी सीढ़ियों में। और मैंने यहाँ पे भी बहुत सारा फ़ोटोशूट करवाया है अपना। और फिर आते हुए मैंने देखा कि ये दूल्हे की गाड़ी भी सजी हुई थी, जिसमें बारात वो लेके रुखसती के टाइम दुल्हन को लेके जाएंगे। और ये ऊपर वाले एरिया में मैंने अपना स्लोमो बनवाया और बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया हुआ था उन्होंने। आराम से ब्राइड और ग्रूम अपना फ़ोटोशूट करवा सकते हैं। और ये अब हम दुल्हन को लेने जा रहे थे अंदर। और ये सिटिंग एरिया है, दुल्हन का रूम है यहाँ पे बिठाने के लिए, और इसको स्टेज पर लेके जाना था दुल्हन को। और ये हमारी ब्राइडल का लहंगा है, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा, माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा प्यारी खूबसूरत लग रही थी, बहुत ही अच्छा मेकअप था। खाना खुल गया है, और ये देखो खाना खुल गया। ये दूध पिलाई की रस्म थी, उसके पैसे दिए जा रहे हैं। हमने बहुत ही मजाक किया, बहुत फ़न किया और मज़ा आया। ये मेरा बेटा,
और ये हो गई है जी रुखसती और गाड़ी में बैठ गई है ब्राइड और जाने की तैयारी हो रही है। बहुत ही सैड मोमेंट होता है ये। और ये रवाना हो गई, देख सकते हैं कि ये उठे हुए हैं बच्चे, क्या आप लोग देख सकते हैं, और कार्टून अभी भी इनके चल रहे हैं और बस इनको सुलाने लगे हैं, चेंज कर दिया है। अयान अहमद, अबीहा, क्या बात है आपको, भैया ने मारा तो, भैया आपने आपने क्यों मारा था मेरी बेटी को, क्यों मारा था, मारा था ना, क्यों मारा था, नहीं मारो ना, सो जाओ अब आप लोग, बस भी करो नो। और ये हम आ गए हैं घर, हमने चेंज कर लिया है, गजरा लगा हुआ बालों में, और जी थैंक यू सो मच, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।